हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज हमने बनाया है बड़ा, तो चलें हम देख लेते हैं हमने कैसे बनाया है बड़ा। और आप लोग से निवेदन है, जो हमारे चैनल पे नए हों प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें प्लीज। हमने लिया है एक कटोरी के लगभग, पूरा भर के कटोरी नहीं है, खाली है, एक कटोरी के लगभग हमने लिया है ये आटा। और ये आटा है चावल का आटा है, और हम इसी फ्राई पैन में इसको डालेंगे। और हमने गैस को ऑन नहीं किया है, और गैस हमारा बंद है, तभी मैं इसमें पानी डालूँगी। और थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें हम डालेंगे, और इसको हमको घोल बनाना है, पतला घोल बनाना है। और इसमें हम पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको हम मिलाते जाएंगे, इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके हमको इसमें डालते जाना है, और इसको ऐसे मिलाते जाना है, इसमें लम्ज ना बने। और ये देखिए हमने इसको एक घोल बना लिया है, इतना पतला हमको घोल चाहिए। हम गैस को ऑन कर देते हैं, और इसको हम ऐसे चलाते जाएंगे, और ये धीमे धीमे पकता जाएगा। ऐसे हमको इसको चलाते जाना है, नीचे इस पकड़े ना। और इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक हम अभी से ही डाल देंगे तो अच्छे से नमक मिल जाएगा, नहीं तो जब ये सूखा हो जाएगा तो अच्छे से नहीं मिलता, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिल पाता, तो हम नमक अभी ही डाल देंगे। ये गाढ़ा होने लगा है, देखिए काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, तो हमको इसको अभी और गाढ़ा करना है। और फ्लेम को हमको स्लो रखना है, हाई पे नहीं, हाई फ्लेम करेंगे तो ये नीचे से पकड़ने लगेगा, तो हम स्लो फ्लेम में इसको हम चलाते रहेंगे। इसको हमको सूखा करना है। और ये देखिए कितने अच्छे से सूख गया है। अब इसको हम गैस को कर देंगे बंद, और इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए। और अभी बैटर हमारा अच्छे से सूख गया है, हमको इतना ही सूखा करना है। अब इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं, और हमने एक थाली में निकाल लिया है, थोड़ी देर इसको रख देते हैं ठंडा हो जाए ये। और ये अब ठंडा हो गया है, अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, ये रिफाइंड ऑयल है, और हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। और हम तेल लगाने के बाद थोड़ा सा इसको हम मसल लेंगे, और हमने इसको मसल लिया है। अब इसमें हम अपना जो हमने कट करके सब्जियां रखा है उसको डाल लेते हैं। हमने लिया है हरी मिर्च कटा हुआ, हरा धनिया है, और ये है सागा जिसको बोलते वो है, और ये है थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और ये है कटा हुआ प्याज। अब हम अपना सब्जियां इसमें मिला लेते हैं, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ सागा, और कटा हुआ हरा धनिया, और उसके बाद ये कटा हुआ प्याज, उसके बाद ये एक टेबलस्पून साबुत जीरा। और हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेना है। और ये देखिए हमने सारी चीज़ों को मिला लिया है। अब दोबारा से फिर हम हथेलियों में तेल लगा लेंगे थोड़ा से, और इसे छोटा छोटा हम बॉल्स बना लेंगे। और ये देखिए इसी तरह से हम छोटा छोटा बॉल बना के रख लेते हैं। और एक बॉल्स लेके हम हथेलियों के बीचों बीच रख के उंगली के सहारे हमको इसमें होल करना है, यानी बीच में जगह बनाना है। ये देख रहे हैं ऐसे ही हमको सारे बड़े में ऐसे हमको बनाना है। ये देखिए जैसे हम ये बना रहे हैं इसी तरह से हमको बड़ा बनाना है।
और इसी तरह से हम दूसरा बड़ा भी अपना बना लेते हैं, ये देखिए। और इसी तरह से, इसी प्रकार से जैसे हम बनाया, इसी तरह से हम सारे बड़े बना के रख, हमने सारे बड़े बना के रख लिए हैं। और इधर हमने रिफाइंड ऑयल कढ़ाई में डाल के रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब इसको हम छोड़ देते हैं गर्म होने के लिए, ये गर्म हो जाए फिर हम अपना बड़ा तल लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें अपना बड़ा तल लेते हैं। ये एक तरफ पक गया है, अब इसको हम दूसरी तरफ से पलट देते हैं। और हमने तीन ही बड़ा डाला है क्योंकि हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला था, इसलिए हम तीन तीन ही बड़ा तलेंगे। और ये देखिए हमने तल लिया है, इसको अब हम रख देते हैं। और इसी प्रोसेस से हम अपना दूसरा बड़ा भी फ्राई कर लेते हैं। और ये भी देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है एक तरफ से, तो हमने दूसरी तरफ पलट दिया है। और ये भी फ्राई हो गया है। और इसी तरह से हम अपना सारे बड़े बना के रख लेंगे। और सारे बड़े हमने बना के रख लिए हैं, ये देखिए, ये हमारा बड़ा और ये है हमारा चटनी। तो सारे बड़े हमने फ्राई करके रख लिए हैं। और कैसे लगा हमारा ये बड़ा तो कमेंट करके बताइएगा, और किस किस को पसंद है ये बड़ा और कमेंट में बताइएगा। हमको तो भाई बहुत पसंद है ये बड़ा, तो कैसे लगा हमारा बड़ा कमेंट करके बताएं। और लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पे नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।